नमस्कार, आईएएस फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है G20 शिखर सम्मेलन 2018, जो कि व्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी में आयोजित किया गया। यह शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 तक आयोजित किया गया, जिसका विषय था निष्पक्ष और टिकाऊ विकास के लिए सर्वसम्मति का निर्माण। सबसे पहले हम G20 को समझने की कोशिश करते हैं। G20 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। यूरोपीय संघ के जितने भी राष्ट्र हैं, मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कौन कौन से राष्ट्र हैं, वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करते हुए वो यूरोपीय संघ के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ईयू जो है वो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रणाली में एक साथ महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील विचारों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसकी स्थापना जो G20 है उसकी स्थापना सितंबर 1999 में की गई। G20 ने 2008 में अपने एजेंडे का विस्तार किया। सरकार या राज्य के प्रमुखों के साथ साथ, प्रमुख मतलब जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्र के प्रमुखों के साथ साथ वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के प्रमुखों ने समय समय पर शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया। मतलब कि 2008 तक सिर्फ वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स में आया करते थे। 2008 के बाद अब एक शिखर सम्मेलन होने लग गए। इसके पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ वो 2008 में हुआ। जो 2018 में शिखर सम्मेलन हो रहा है वो 13वां शिखर सम्मेलन है। इसमें अब राष्ट्र के प्रमुख आने लग गए, तो यह शिखर सम्मेलन हो गया। यह किसी भी संगठन की जिम्मेदारियों से परे मुद्दों का हल करना चाहता है। और 2008 में प्रमुखों का शिखर सम्मेलन, मैंने आपको बताया, वो प्रारंभ होने लग गया। अगर हम बात करें आगे, तो सामूहिक रूप से G20 अर्थव्यवस्था सकल विश्व उत्पाद, मतलब GWP का लगभग 90% इनके पास है। देखिए, इसमें जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन कौन सी है, उनका 90% इसमें हिस्सा है। इसमें 80% विश्व का व्यापार आता है। यदि हम लोग ईयू इंस्टा ट्रेड को छोड़ दें तो 75% इसमें मान लेते हैं। दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा और दुनिया की लगभग आधी भूमि इसमें आती है। देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देश है, जिसमें अमेरिका, चाइना और भारत। अगर इनको ही देख लिया जाए तो इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इसमें रूस है, तो रूस आप देखेंगे कि यूरेशिया का पार्ट है, यूरेशिया ही पूरा है, लगभग आधा यूरेशिया है। तो हम देखेंगे कि यूरेशिया भी इसमें आता है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है G20 अगर वैश्विक संगठन के रूप में देखा जाए, तो G20 अपनी एक अच्छी प्रासंगिकता रखता है। और सबसे खास बात, स्पेन इसका सदस्य नहीं है। स्पेन जो है G20 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे स्थायी अतिथि आमंत्रित किया जाता है। चलिए, जैसा मैं आपको G20 सदस्य देशों के बारे में बता रहा हूं, उसमें आप देखेंगे ऊपर उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंटल, नीचे दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंटल, इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल, ऊपर एशियन कॉन्टिनेंटल और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल हम देख रहे हैं। इसमें कुछ बीच में द्वीपीय राष्ट्र भी हैं। तो जो ये नीले रंग के बने हुए हैं वो राष्ट्र जो है वो सदस्य राष्ट्र हैं। जो हरे रंग से बना हुआ है वे यूरोपीय संघ के राष्ट्र हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व ना करते हुए यूरोपीय संघ के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो लाल रंग की हमको जो दिख रहे हैं, गुलाबी रंग के, वे राष्ट्र हैं जो 2017 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ अतिथि राष्ट्रों की तरह। तो वे राष्ट्र हैं जो अतिथि राष्ट्र थे 2017 में। तो ये 2018 में ना होगा, 2017 के राष्ट्र हैं जो हमको ये लाल रंग से दिख रहे हैं। आप गलत मत सोचिएगा उसको, मैप थोड़ा ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं, मतलब 2017 का मुझे मिला इसलिए मैं उसको पुट अप किया, अभी 2018 का नहीं आया है ऐसा, तो आप घबराइए मत। ये जो लाल रंग का दिख रहा है वो 2017 में आमंत्रित सदस्य राष्ट्र है जो दिख रहे हैं हमको। और ये जो देश है हरे रंग के जो है वो यूरोपीय संघ के देश है, जो डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेशन ना करते हुए यूरोपीय संघ के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलिए, 2018 G20 विनर्स आयर्स शिखर सम्मेलन की हम बात करते हैं।
ये वियनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और ये 13वीं बैठक है। देखिए जो 2009 जो 2010 था उसमें हर 6 महीने में एक बैठक होती थी, मतलब एक साल में दो बैठक, लेकिन ऐसे आप 2018 से लेकर 2008 से लेकर 2018 10 साल हुए परंतु 13 बैठक हो गई, तो 2010 और 11 में डबल बैठक हुई और 2011 से फिर वार्षिक रूप में बैठक होने लग गई, तो ऐसे 13 बैठक होने लग गई। यह बैठक जो है G20 की ब्यूनस आयर्स में, यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाली पहली G20 सम्मेलन होगा, पहला दक्षिण अमेरिका में पहली बार यह सम्मेलन हो रहा है। ब्यूनस आयर्स के किरचनर सांस्कृतिक केंद्र में आधिकारिक समारोह में के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिसियो मैरी ने 30 नवंबर 2017 को एक सालीय G20 प्रेसिडेंसी संभाली। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे G20 जो है उसका कोई कार्यालय नहीं है, उसका कोई ऑफिस नहीं है, और जो देश एक साल की प्रेसिडेंसी संभालता है वही इसका कर्ता और धर्ता होता है, वही इसका कार्यालय वही इसका ऑफिस होता है। तो जैसे 2016 में शी जिनपिंग ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली थी, जो चाइना के जर्मनी की चांसलर मर्केल मैम ने 2017 में, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2019 में संभालेंगे, और सभी देशों के इसके समर्थन संदेश भेज दिया गया है जापान द्वारा, और इसको समारोह में दिखाया गया था। देखिए यूपीएससी हो या एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें इन नेताओं जो जिन नेताओं ने भाग लिया उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो मैंने ये सूची तैयार की है अपनी तरफ से, तो आप इस सूची को देखिएगा। इसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष जो अपने अपने राष्ट्र जिन्होंने संबोधन किया है इस शिखर सम्मेलन में, जैसे भारत की ओर से माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इसमें संबोधन किया था, तो आप इसको तैयार कीजिए, अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिए। देखिए एक और चीज, जो मेजबान राष्ट्र होता है, जो मेजबानी करता है, मतलब जिसके यहाँ पर हम जाते हैं उसे मेजबान कहते हैं, अर्जेंटीना इस साल मेजबान राष्ट्र था, तो उनके पास एक विवेकाधिकार होता है एक अतिरिक्त अतिथि देशों को बुलाने का, तो कुछ देशों को हम आमंत्रित कर सकते हैं, जैसे स्पेशल जो कंट्रीज होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा स्पेन जो है वो स्थायी आमंत्रित सदस्य है, मतलब वो तो रहेगा ही रहेगा, स्पेशल आमंत्रित सदस्य रहता है, लेकिन इस साल अर्जेंटीना की तरफ से चिली और नीदरलैंड को भी एक आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे केरीबाई समुदाय जिसका जमैका द्वारा प्रतिनिधित्व 2018 में किया गया था, इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक और लैटिन अमेरिकन के विकास बैंक CAF जिनको अर्जेंटीना ने खुद विशेष रूप से आमंत्रित किया था। ये वह सूची है जिनके राष्ट्राध्यक्ष जो आमंत्रित अतिथि थे उनकी सूची तैयार की है मैंने, ये जिसमें चिली, जमैका, नीदरलैंड, रवांडा, सेनेगल, सिंगापुर और स्पेन जो है वो स्थायी अतिथि आमंत्रित सदस्य है जिसको हर साल G20 में बुलाया जाता है। G20 के जो प्राथमिक एजेंडा थे, कुछ प्राथमिक एजेंडास होते हैं हर जैसे संगठन में, हम लोग किसी को बुलाते हैं तो उसके कुछ प्राथमिक एजेंडे रखे जाते हैं कि किस किस बिंदु पर हम बात करेंगे, तो तीन एजेंडा प्राथमिक एजेंडे जो होते हैं तीन थे, कार्य का भविष्य, विकास के लिए आधारभूत संरचना और स्थायी भोजन भविष्य। कई उपस्थित देशों ने कहा कि वे इस बैठक में क्रिप्टो मुद्राओं के विनिमय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। क्रिप्टो करेंसी यह बहुत ही चर्चा का विषय है, क्रिप्टो करेंसी जिसको जापान ने सबसे पहले एक अपने देश में मुद्रा का रूप दिया था, ये पढ़ लीजिएगा, परीक्षा के लिहाज से बहुत प्रासंगिक विषय है क्रिप्टो मुद्राएं। इस पर बहुत बातें करी G20 में। सबसे गर्म जो मुद्दा रहा इस समय विश्व में चल रहा है वह चल रहा है चीन और यूएसए का बीच ट्रेड वॉर, मतलब व्यापार युद्ध। 2018 में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहा, चीन यूएसए ट्रेड वॉर, क्योंकि जो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैरिफ मतलब ये होता है जैसे किसी राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र में अपना सामान बेचा, व्यापार किया, तो जो राष्ट्र होता है वह उस पर टैक्स बढ़ा देता है, मतलब टैक्स बढ़ जाता है
तो मतलब टैरिफ बढ़ा देता है एकदम से। तो उससे क्या होता है, जो जैसे इंडिया है, इंडिया यूएसए में जाके अपना ट्रेड करता है, मतलब व्यापार करता है, और यूएसए अपने हमारे यहाँ के जो बासमती राइस है उनका एकदम से टैक्सेशन बढ़ा दे, तो हमारी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाए, तो हमारा ट्रेड करने से मतलब भी क्या रहेगा, हम क्या कमा पाएंगे, इसे कहते हैं टैरिफ। और यही एक रूप से दोनों देशों के बीच में चल रहा है, चाइना और यूएसए के बीच में, इसे ट्रेड वॉर या व्यापार युद्ध कहा जाता है। भारत और G20 के लिहाज से भारत G20 में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र बनकर उभरा, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इस कार्यक्रम में एक बहुत उत्साह के साथ अपना संबोधन दिया, बहुत उत्साहित दिख रहे थे प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में। देखिए, देखते हैं, इसमें उन्होंने 9 सूत्री कार्यक्रम रखा, उन्होंने कई द्विपक्षीय वार्ताएं करी, कई बहुपक्षीय वार्ताएं करी, और जो 2022 है उसमें भारत मेजबानी करेगा G20 की, ये इस सम्मेलन में रहा, और इस सम्मेलन का पूर्ण मूल्यांकन हम आगे करेंगे। तो चलते हैं 9 सूत्री कार्यक्रम के साथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक अपराधों के खिलाफ 9 सूत्री एजेंडे को संगठन के सभी क्षेत्रों में गंभीरता से लिया, और माना कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश देने और सुरक्षित पनाहगार पाने से रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 9 सूत्रीय एजेंडा रखा, उसमें आपको पूरे 9 सूत्र दिखाए जाएंगे आगे वाली स्लाइड में। तो उसमें 9 सूत्रीय कार्यक्रम में 9 सूत्रीय एजेंडा रखा उन्होंने, उसमें कहा गया जैसे नीरव मोदी है, विजय माल्या जो देश का पैसा खा के दूसरे देश में प्रत्यर्पण कर लेते हैं अपना, तो मतलब भाग जाते हैं, तो उनको प्रत्यर्पण करने के लिए एक ठोस 9 सूत्रीय एजेंडा बनाया प्राइम मिनिस्टर ने, और उसको G20 देशों के सामने समक्ष उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने एक चीज कहा कि कानूनी प्रक्रिया जो है उसको कानूनी प्रक्रिया में सहयोग के साथ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन और यूनाइटेड नेशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सिद्धांतों को पूर्णता और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए जरूरत है, और भारत ने कई रसूखदार आर्थिक अपराध को अंजाम देकर दूसरे देश में शरण ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि अगर संगठन के सभी देश इस दिशा में ठोस पहल करते हैं तो सूचना के आदान प्रदान के जरिए भगोड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सकता है, उन्होंने इस बात को रखा। चलिए, 9 सूत्रीय एजेंडे पर हम बात करते हैं। 9 सूत्रीय एजेंडे वह भगोड़े आर्थिक अपराधियों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए G20 देशों के बीच प्रभावी और सक्रिय सहयोग की प्रक्रिया का प्लेटफॉर्म बने। जो दूसरा एजेंडा था वह यह था, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जल्द प्रत्यर्पण, मतलब कि जिस देश से वो भागे हैं उस देश में वापस लाना जाए, पर के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग हो। G20 देशों को ऐसा ढांचागत तंत्र बनाना चाहिए जिससे भगोड़ा आर्थिक अपराधियों का एक दूसरे के देश में प्रवेश रोका जा सके और कोई देश उसके लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बने। भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत प्रभावी तरीके से लागू हो, जो मैंने आपको पीछे जो प्रावधान बताए थे, जो दो थे, करप्शन और ट्रांसनेशनल क्राइम वाले जो थे, वो दोनों आप लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब कि IFAT फोर्स के जरिए ऐसी प्रणाली बने जिससे संबंधित संस्थाओं और वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बीच सही समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। प्रत्यर्पण और कानूनी मदद के मौजूदा नियमों में कमियों और सफल प्रत्यर्पण के मामलों के अनुभव एक दूसरे से साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किए जाए। भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की पहचान, सत्यापन, प्रत्यर्पण और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मानक बनाने चाहिए जिस पर G20 सहमत हो। G20 मंच को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति का पता लगाने के लिए प्रयास पर विचार हो जिससे कि अपराधियों से बकाया कर्ज वसूली की जा सके। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने 9 सूत्रीय कार्यक्रम रखा, इसके 9 बिंदु हैं, आप इन्हें याद करें, और ये पूछे तो नहीं जाएंगे लेकिन हमको ये 9 पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए।
द्विपक्षीय वार्ता। देखिए भारत जो है कूटनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो किसी भी गुट का समर्थन नहीं करता, ये इसका अर्थ होता है, और अहम सदस्य रहा है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का। पर पिछले 20 सालों से देखा जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो अपनी प्राथमिकता धीरे धीरे खो रहा है। खास भारत ने उसमें कुछ खास उत्साह दिखाया नहीं, लेकिन अर्जेंटीना में नरेंद्र मोदी जी ने परोक्ष तौर पर दिखाया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्राथमिकता भारतीय कूटनीति में अभी बरकरार है। तो इस चीज को लेकर G20 में वार्ताएं प्रारंभ हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने अंतिम दिन में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता की, और इस जो बायलैटरल टॉक्स का जो कार्यक्रम था वो विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक नुकसान के द्वारा उसको तय किया, और हर वार्ता का अलग अलग से एजेंडा था कि भविष्य के लक्षणों में हम कैसे कल हम क्या मतलब करेंगे, काम का भविष्य जिसका सबसे इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्जेंटीना की। भारत रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर सबसे ज्यादा बात हुई, रक्षा ऊर्जा क्षेत्र पर, और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग देने के लिए तैयार हुआ इंडिया अर्जेंटीना को, और भारतीय उद्योग के लिए वहाँ काफ़ी रक्षा क्षेत्र में अर्जेंटीना में भारतीय उद्योग की वहाँ काफ़ी मांग है, ये इस सम्मेलन में दिखा। जो प्रधानमंत्री मोदी थे वो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जिन क्लाउडे और यूरोपीय संघ के दूसरे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क से मिले और कई मुद्दों पर बात हुई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हुई वो जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार जी हैं उन्होंने बताई कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर सबसे बड़ा मुद्दा सबसे सामने था, सबसे ज्यादा था। मोदी ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ये जो राष्ट्रपति है दक्षिण अफ्रीका के रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा, ये 26 जनवरी 2019 में गणतंत्र दिवस के दिन भारत आएंगे, इसका नोटा प्राइम मिनिस्टर ने उनको दिया और उन्होंने स्वीकार भी करा, हम आगे बताएंगे आपको। नीदरलैंड के मार्क रूट, स्पेन के पेड्रो सांचे, जमैका के राष्ट्रपति एंड्रयू होलनेस के साथ उन्होंने मुलाकात की। सबसे बड़ी जो मुलाकात हुई उनकी वो हुई फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रॉन के साथ, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने फीफा के अध्यक्ष गिलानी एन फेंटिनो के साथ कहा, और भारत को फुटबॉल के विकास के तौर पर काफ़ी संभावना शायद देख रहा था जो फीफा है, और इसे इस सब चीज़ों को जो 11 एजेंडास रखे गए इसे व्यस्त कूटनीति का नाम दिया गया है, और यही बड़ी खुशी की बात है इसे व्यस्त कूटनीति का नाम दिया गया। मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस के लिए बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए। यहाँ पर दो चीज़ याद रखने की बात, महात्मा गांधी के 150 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं, और 100 साल मदीवा के, मतलब ये टैगलाइन रखा गया है वहां पर, और इसके लिए रामाफोसा ने न्योता स्वीकार कर लिया है। चलिए हम बात करते हैं बहुपक्षीय वार्ताओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत चीन और रूस के बीच 12 साल बाद दूसरी बार त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जो कि इन देशों के बीच संबंधों के पुनर्मूल्यांकन, विश्वास बहाली और क्षेत्रीय शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए एशिया के तीन ये महत्वपूर्ण देश चीन, रूस और भारत, अभी हाल ही समय में भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद बहुत गर्माया हुआ था, जिसको लेकर चीन बहुत सक्रिय था, परंतु उसमें आज हम देख रहे हैं कि चीन कहीं ना कहीं उसमें विश्वास भारत के पक्ष में डाल रहा है कि थोड़ा सा हम नरम रहे। चीन आज नरम होते हुए दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, चीन और यूएसए के बीच में चल रहे युद्ध व्यापार के कारण चीन भारत से, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो आज यूएसए और चाइना की दोनों की आंखें भारत के ऊपर देख रही हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो माल है जो हम उत्पादन कर रहे हैं कहीं ना कहीं भारत में बिके, और भारत एक उबरता हुआ मार्केट बन रहा है। इस लिहाज से भारत का महत्व चीन के लिए बहुत मजबूती से देखने को मिलता है। इससे पहले इन तीनों देशों के नेताओं के बीच 2006 में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी,
आने वाले वक्त में इन वार्ताओं के शानदार आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था इस जो वार्ता हुई है उसके आर्थिक कारण देखने को मिलेंगे, कूटनीतिक कारण देखने को मिल सकते हैं हमको, और रणनीतिक आयाम हम जान सकते हैं। वुहान बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीच यह चौथी मुलाकात है। इससे हम मान सकते हैं कितनी कूटनीतिक बात हमको देखने को मिल सकती है भारत और चीन संबंध में इस वार्ता से, G20 से। भारत के लिए चीन और रूस से संबंध रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सुधार गति में देने के लिए बेहद आवश्यक है। शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों, देखिए प्रधानमंत्री G20 में ब्रिक्स के देशों के साथ भी इन्होंने बातचीत करी, जिसमें ब्राजील है ब्रिक्स में, रूस है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर दक्षिण अफ्रीका ने G20 के सदस्य देशों से भी एक्चुअल में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका जो है वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर जाना चाहता है, मतलब बाहर जाने की बात उसने करी है, परंतु ब्रिक्स देश चाहते हैं कि भले ही बाहर चले जाए परंतु इस जो पेरिस जलवायु समझौता है जो 2030 में लागू होगा उसमें हमको कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, ये जलवायु परिवर्तन था। परंतु जो जलवायु परिवर्तन करार था उसको कड़ाई से इन्होंने लागू करने की बात करी है, और जो समझौता उन्होंने कहा है वो अपरिवर्तनीय नहीं है, उससे पलटा नहीं जा सकता। भारत आज भी अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पर कायम है। इस पर ब्रिक्स देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। जापान, अमेरिका और भारत, जे फॉर जापान, ए फॉर अमेरिका एंड आई फॉर इंडिया, जय नाम की टॉक हुई, वार्ता हुई, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शिंजो आबे और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये वार्ता करी। और इससे पहले इन लोगों की ट्यूनिंग तीनों की बहुत अच्छी थी, परंतु कुछ कूटनीतिक उद्देश्य थे, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है। इस लिहाज से ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण रखती है अपने आप में। और विजय गोखले जो विदेश सचिव है हमारे देश के, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि चाहे कैसी भी टॉक हो, कैसी भी वार्ता हो, परंतु हम अपने हित को पहले देखेंगे, उसके बाद हम अपने आयाम को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने ट्रंप और एबी के साथ हिंद प्रशांत महासागर के सभी देशों के लिए एक समान अवसर मिलने के मुद्दे पर बात की। हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक जिसे कहते हैं, इस पर भारत चाहता है कि सभी देश असमान ना होकर समान वितरण सभी देशों को मिलना चाहिए, ऐसी नरेंद्र मोदी की पहल थी और उन्होंने इस बात को रखा। देखिए, चाइना द्वारा एक वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना, जिसमें पूरे विश्व को एक हम लोग जोड़ सकते हैं, उसके द्वारा एक जाल बिछाया उन्होंने और उसका हम जोड़ सकते हैं, सिल्क रूट जिसे कहते हैं, एक सिल्क रूट जैसा जाल बिछाया उन्होंने जिससे एक पूरा वैश्विक कनेक्टिविटी चाइना ने पूरे विश्व में बनाई है। परंतु मोदी, ट्रंप और एवी की जय टॉक है उसमें वैश्विक कनेक्टिविटी की योजना पर वो लोग काम कर रहे हैं, मतलब उस पर चर्चा हुई उन लोगों की, और कल चलकर शायद से चाइना थोड़ा सा घबरा जाए इस चीज को देखकर, उन्होंने वैश्विक कनेक्टिविटी को आगे लाया जिससे वन बेल्ट वन रोड योजना को मतलब काउंटर किया जा सकते, इस लिहाज से ये जय टॉक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे 2022 में भारत मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को ये घोषणा करी, जब ये टॉक हुई थी उसमें शनिवार एक बार होगा, कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और इस 2022 में भारत को आजाद होते हुए 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस लिहाज से G20 की जो बैठक है 2022 में जिसमें भारत मेजबानी करेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण देखी जा सकती है। दूसरी चीज, 2022 में इटली इसकी मेजबानी कर रहा था, परंतु इटली 2020 में इसकी मेजबानी करेगा, 2022 में वो इंडिया को ट्रांसफर हो गई है। इस लिहाज से भी हम पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी जगह किसको मिल रही थी, तो इटली हम लिख सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, इसके लिए इटली को धन्यवाद देते हैं। और 2022 में सभी 20 नेताओं को माननीय मोदी जी ने न्योता दिया है
और उन सबके लिए एक कोट लिखा है जिसको पढ़ता हूं मैं। 2022 में भारत स्वतंत्रता के बाद 75 साल पूरे हो जाएंगे। उस वर्ष में भारत G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया का स्वागत करने के लिए उम्मीद कर रहा है। भारत की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत के समृद्ध इतिहास और विविधता को जाने और अनुभव करें, भारतीय आतिथ्य को प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट करके सभी लोगों को बताया। चलिए आगे, अगर हम पूरी समिट का जो G20 सम्मेलन हुआ, समिट हुई पूरी क्या, अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो ये जो G20 शिखर वार्ता जो ब्यूनस आयर्स में हुई वो सिर्फ विचार विमर्श तक ही सीमित रह गई, ऐसा विद्वान कहते हैं। क्योंकि इसमें कुछ एक मौद्रिक वित्तीय संरचनात्मक नीतियों पर तालमेल बिठाने के लिए और कर चोरी को रोकने के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स को रोकने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया है ना। और उम्मीद थी कि G20 के देश आर्थिक मुद्दों के विशेष रूप से असंतुलित विकास, वैश्विक मांग में कमी और ढांचा का समस्याओं से निपटने की चुनौती को सामने रख किसी ठोस समझौते का आकार देंगे, पर नहीं हो सका। सिर्फ ये चर्चा तक ही सीमित रह गया। इसके अलावा कालेधन से निपटने, टैक्स मामलों में पारदर्शिता लाने, निवेश प्रभाव बनाने, अर्थव्यवस्था के लिए मुक्त आवाजाही पर जोर देने, विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और कॉरपोरेट टैक्स की चोरी रोकने के लिए नीतिगत उपाय भी गौर नहीं फरमाया गया। सदस्य देशों द्वारा नीतिगत समन्वय और संयोग की दिशा में आगे बढ़कर वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थिरता के लिए मुद्रा नीति और प्रभाव बनाने की गंभीरता नहीं दिखाई गई। तो हम इसमें एक चीज देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद थी कि सदस्य देश मौजूदा आर्थिक ठहराव से उभरने और विश्व में रोजगार उन्मुखी माहौल निर्मित करने के लिए सरकारी खर्च और वित्तीय अनुशासन के मध्य संतुलन स्थापित करने की दिशा में ठोस नीति बनाएंगे, लेकिन ढुलमुल रवैया अपनाते हुए दिखेंगे। मैंने कहा ना, वो सिर्फ बातचीत के जरिए, सिर्फ बात और चीत हुई, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ और कोई ठोस पहल भी नहीं हुई जिसको हम कह सकते थे। हाँ, अगर ये लोग कुछ करते सम्मेलन में, मतलब जो नेता उपस्थित थे 20 के 20 नेता, कुछ अच्छी रणनीति पर जाकर जाते तो विकासशील देशों का थोड़ा बहुत भला होता। तो ये हमारा YouTube चैनल है IAS फर्स्ट, और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे हमारी गुणवत्ता सुधरेगी और हम आपको एक अच्छी से अच्छी बेहतर सेवा दे सकते हैं। हमारा ये वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।